तो पहुंच गए सब। सही है यार, सही है। अब तो मौज हो गई तुम्हारी मौज। एयरटेल और वोडाफोन के यूजर्स के लिए तो भैया अब सही में मौज ही हो गई। अब तो ये समझ लो कि भैया इनके यूजर्स एक बार फिर से अपने किसी प्रिय से वही पहले की तरह से धड़ाधड़ अनलिमिटेड बतिया सकेंगे। हाँ हाँ, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड बोले तो अनलिमिटेड, यानी अब 6 पैसा पर मिनट की टेंशन भी खत्म। तो करो मौज और हो जाओ शुरू पहले की तरह। आपने खाना खाया कि नहीं खाया? सब्जी किसकी बनाई है? इसने क्या कहा? उसने क्या कहा? और दरअसल 3 दिसंबर को नए टैरिफ लागू किए जाने के बाद अब यूजर्स के लिए अदर नेटवर्क पर कॉल करने की एक लिमिट फिक्स की गई है। इसके बाद 6 दिसंबर को जियो के नए प्लान लागू किए जाने के बाद अब एयरटेल और वोडाफोन ने भैया एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलकर मानो जैसे जियो का तो मुंह ही चिढ़ा दिया है। अब इसमें तो कोई नई बात है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जियो यूजर्स से आईयूसी चार्ज लिए जाने को लेकर इन दोनों कंपनियों ने सोशल मीडिया पर जमकर के जियो का मजा लिया था। खैर, अब इन दोनों कंपनियों ने अपने यूजर्स को एक खुशखबरी दी है और अब उन्हें अदर नेटवर्क पर कॉल करने के लिए भी ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दे दी है। एयरटेल ने जहां 3 नए प्लान पेश किए हैं, वहीं आइडिया वोडाफोन ने अपने सभी प्रीपेड प्लान से ये लिमिट हटा दी है। जबकि 3 दिसंबर को इन दोनों ही कंपनियों ने अपने यूजर्स के लिए अदर नेटवर्क्स पर कॉल करने के लिए एक लिमिट फिक्स की थी, जिसमें इनके यूजर्स उनके प्लान के हिसाब से ही अदर नेटवर्क पर सेट की गई FUP लिमिट तक ही फ्री कॉलिंग कर सकते थे और इस लिमिट के खत्म होने के बाद इन यूजर्स से 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से चार्ज लिया जा रहा था। इस FUP लिमिट को अब इन दोनों कंपनियों ने खत्म कर दिया है। एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए 3 नए प्लान भी लॉन्च किए हैं, ₹219, ₹399 और ₹499 की कीमत वाले इन प्लान्स में यूजर को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेटा के साथ और भी कई बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं। प्लान्स के बारे में बात करें तो सबसे कम ₹219 वाले प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ ही पर डे 1 GB डेटा और 100 SMS की सुविधा मिलेगी। जबकि ₹399 वाले प्लान में 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ ही पर डे 1.5 GB डेटा और 100 SMS की सुविधा मिलेगी। इसी तरह से ₹499 वाले प्लान में यूजर को 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ ही पर डे 2 GB डेटा और 90 SMS की सुविधा मिलेगी। इनके अलावा इन तीनों ही प्लान में यूजर को एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पर फ्री हेलो ट्यून, अनलिमिटेड विंक म्यूजिक और एयरटेल एक्सट्रीम ऐप की प्रीमियम मेंबरशिप भी ऑफर की जा रही है। इसके अलावा अगर वोडाफोन आइडिया के बारे में बात की जाए तो इस कंपनी ने भी अपने यूजर्स के लिए इसके सभी प्रीपेड प्लान्स में से अब ये लिमिट हटा दी है और अब सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा ऑफर की जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद क्या जियो भी अपने यूजर्स के लिए कोई सौगात पेश करेगी, और अगर करेगी तो वह कब करेगी? वैसे जियो को शायद ये पता होगा कि उसके यूजर्स पहले तो 9 अक्टूबर से आईयूसी चार्ज लिए जाने की वजह से नाराज है और उसके बाद फिर 6 दिसंबर से प्लान महंगे होने के साथ ही अदर नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा हटाए जाने के फैसले ने यूं मान लीजिए जैसे आग में स्वाहा का काम कर दिया है। तो अब ये तो जियो को ही देखना है कि वह अपने यूजर्स को आखिर किस तरह से कहती है जियो अनलिमिटेड। बाकी तो फिर जियो चाहे मत जियो, बोलो जय माता दी। अब यार, जियो यूजर्स की ये बात हमने जियो तक पहुंचाई है तो ये उम्मीद तो की ही जा सकती है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ठोक दो लाइक और कर दो शेयर। साथ ही टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाला बेल आइकन जरूर दबा देवें और साथ ही ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेवें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात किसी नई जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।